ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक है विनफॉर्म्स के अंदर चेकबॉक्स कंट्रोल, ठीक है। हमने रेडियो बटन इससे पहले डिस्कस किया था, ठीक है। चेकबॉक्स और रेडियो बटन में सबसे पहला फर्क क्या है कि रेडियो बटन में हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेकबॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेकबॉक्स की डेफिनेशन देखो, अ चेकबॉक्स कंट्रोल अलाउज यूजर टू सेलेक्ट अ सिंगल और मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। मतलब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें एक भी सिलेक्ट कर सकते हो या एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रेडियो बटन में क्या था कि सिर्फ हम एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे विंडोज फॉर्म्स, और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ चेकबॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे आके ओके करते हैं तो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, तो अब सबसे पहले इसका इंटरफेस थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है, और लेबल मैं यहाँ पे सेट करवाता हूँ। और फॉर एग्जांपल इस लेबल को मैं टेक्स्ट देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट योर फेवरेट मोबाइल कंपनीज, सही है, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, सही है। और यहाँ पे आके इसका हम थोड़ा फॉन्ट साइज सेट करवा लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट की प्रॉपर्टी में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, इसको बोल्ड और इसका साइज फॉर एग्जांपल 12 कर देते हैं, ठीक है। 12 आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम बल्कि सही है, हम इसका फॉर्म का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे कुछ चेक बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्स नजर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम दे देते हैं, ठीक है। दो चीजें चेंज करते हैं, इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी और एक नेम की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैमसंग, ठीक है, एंटर करता हूँ। और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड और यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल 11 कर देते हैं, ओके करता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, अब इसी की मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चार कॉपीज बना लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसकी चार कॉपीज बना ली, ठीक है। अब इसका मतलब सैमसंग जो था, इसकी हम नेम प्रॉपर्टी भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी, इसको मैं इसका नाम दे देता हूँ सैमसंग, ठीक है, सैमसंग CHK, ठीक है, सैमसंग CHK, ठीक है। इसका मतलब सैमसंग का ये चेकबॉक्स है, ठीक है। फिर इसी तरह इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, इसकी नेम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, ठीक है। इसकी सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल आईफोन, ठीक है, सही है। और इसकी नेम प्रॉपर्टी यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पे पहले सैमसंग था, इसको हम कर देते हैं आईफोन, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब आते हैं तीसरा, इसकी नेम फॉर एग्जांपल इसको नेम मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसको हम कर देते हैं नोकिया, सही है। ये नेम प्रॉपर्टी हो गई। और इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम ऊपर जाते हैं, ये टेक्स्ट, सही है, और इसको हम कह देते हैं नोकिया, ठीक है। अब लास्ट रह गया हमारे पास, ठीक है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ओप्पो, ठीक है। और इसकी जो नेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे इसको हम कह देते हैं ओप्पो, ठीक है, सही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने चार चेकबॉक्सेस बना लिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ एक बटन, ठीक है, यहाँ पे एक बटन ड्रैग कर लिया, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसका इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल सबमिट, ठीक है। और इसको फॉन्ट इसका सेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, बोल्ड इसको फॉर एग्जांपल 12, सही है।
तो अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, इनके हमारे पास एक इवेंट होता है जो कि हर चेक बॉक्स पे होता है, जिसको कहते हैं चेक चेंज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सैमसंग के चेक चेंज्ड के इवेंट पे जाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये जो हमने सैमसंग चेक, यही नाम रखा था ना नेम प्रॉपर्टी में जाके, तो उसी से हमारा क्या हो गया, एक इवेंट हैंडलर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, मुझे ये यहाँ पे देखो चेक चेंज्ड। अब चेक चेंज्ड का इवेंट कब चलता है, गौर से सुनना, चेक चेंज का इवेंट हमारे पास कब चलता है कि जैसे ही मैं किसी के ऊपर चेक करता हूँ, सही है, मतलब मेरे पास कोई भी आइटम है, जब मैं उसके ऊपर चेक करता हूँ या अनचेक करता हूँ, दोनों केसेस में हमारे पास कौन सा इवेंट चलता है, चेक चेंज का ये इवेंट परफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सबके ये इवेंट यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। ओप्पो के भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो सबके इवेंट हैंडलर्स आ गए, कौन से, चेक चेंज्ड वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे इसको देता हूँ टेक्स्ट वन, सही है, और इसके अंदर मैं एम्प्टी मतलब खाली कुछ भी स्टोर नहीं करवा रहा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल चार चेक बॉक्सेस है ना, तो मैं यहाँ पे चार इसके ये बना रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल्स, सही है, और इनको क्या रख रहा हूँ, एम्प्टी रख रहा हूँ, मतलब अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूँ सैमसंग के अंदर, ठीक है, सैमसंग का जो चेक चेंज की इवेंट है इस पे आता हूँ, अब एक इफ कंडीशन देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास ये जो सैमसंग चेक है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है चेक्ड, ठीक है, अगर ये बराबर है ट्रू के, सही है, मतलब कि अगर किसी ने चेक किया है तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रू होगी, लेकिन अगर किसी ने चेक नहीं किया मतलब अनचेक्ड है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सैमसंग डॉट चेक अगर ट्रू हो तो क्या हो, तो मैं यहाँ पे जो मैंने पहला वेरिएबल बनाया था टेक्स्ट वन, ठीक है, इसके अंदर क्या चला जाए, इसके अंदर सैमसंग चेक का जो टेक्स्ट था, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट है यहाँ पे देखो इसका टेक्स्ट क्या है, सैमसंग है ना, ठीक है, तो वो किसके पास चला जाएगा, टेक्स्ट वन के वेरिएबल के पास चला जाएगा जो हमने ऊपर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे वरना एल्स, एल्स में क्या हो, एल्स में ये जो टेक्स्ट वन है, ठीक है, इसके पास एम्प्टी रहे, ठीक है, मतलब वो खाली रहे, सही है, मतलब मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ इस कंडीशन में, कि अगर सैमसंग का जो चेक बॉक्स है अगर वो चेक्ड है और बराबर है ट्रू के, तो क्या हो, सैमसंग चेक का मतलब जो टेक्स्ट है वो किसके पास चला जाए, टेक्स्ट वन के पास चला जाए, लेकिन अगर वो चेक नहीं है मतलब वो फॉल्स है, तो एल्स में क्या हो जाए कि वो टेक्स्ट वन क्या रहे, खाली रहे, ठीक है। तो अब इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सबके लिए, ठीक है, अब ये आईफोन के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बल्कि हम इंटेलिजेंस से काम करवाते हैं, ठीक है, आईफोन चेक डॉट इसकी प्रॉपर्टी चेक्ड, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे अब दूसरे के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया था, टू, ठीक है, और यहाँ पे आके इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, और अब मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए जो कि मैं किसके वेरिएबल में भेज दूंगा, टेक्स्ट टू के अंदर, वरना यहाँ पे क्या हो जाए, टेक्स्ट टू हमारे पास एम्प्टी हो जाए, ठीक है। फिर इसी तरह अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, मतलब एक दफा किया बाकी फिर उसके बाद कॉपी पेस्टिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे पास आईफोन के बाद नोकिया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ नोकिया चेक डॉट इसका चेक प्रॉपर्टी, सही है, और यहाँ पे इसके लिए वेरिएबल है टेक्स्ट थ्री, ठीक है, और यहाँ पे अब दोबारा यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, नोकिया चेक डॉट टेक्स्ट, ठीक है, वो इन वेरिएबल्स के पास चला जाए, और यहाँ पे टेक्स्ट थ्री वरना क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास रह गया, ठीक है, और यहाँ पे अब लास्ट हमारे पास था ओप्पो के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ओप्पो चेक डॉट यहाँ पे इसकी चेक की प्रॉपर्टी, अगर वो ट्रू है तो क्या हो, टेक्स्ट फोर के वेरिएबल के अंदर क्या चला जाए, यही जो ओप्पो का जो टेक्स्ट है, ठीक है, डॉट टेक्स्ट वो चला जाए, वरना यहाँ पे टेक्स्ट फोर क्या हो, एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आता हूँ, ये जो हमारे पास बटन था, मैंने चेक चेंज के इवेंट पे
काम कर लिया। अब मैं आता हूँ सबमिट के बटन के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका क्या नाम था, बटन वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो करवाता हूँ, ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे योर सेलेक्टेड कंपनीज, ठीक है, और सही है। और यहाँ पे आता हूँ, अब इसको मैं कॉन्केटिनेट करवाता हूँ किसके साथ, जो हमने एक टेक्स्ट वन का वेरिएबल था जिसके अंदर हमने सेट करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, और इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ। फिर इसी तरह दोबारा इसको कॉन्केटिनेट करवा लेता हूँ किसके साथ, टेक्स्ट टू के साथ। मतलब अगर वो चेकबॉक्स वन, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, अगर वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, चेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका टेक्स्ट आ जाएगा। अगर उसको अनचेक रखेगा तो इसकी जगह खाली एम्प्टी प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता हूँ फिर इसी तरह प्लस, और यहाँ पे इसको स्पेस देके इसके अंदर आप कह देता हूँ टेक्स्ट थ्री, ठीक है, जो कि नोकिया के लिए था। फिर इसी तरह यहाँ पे स्पेस, और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट फोर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको एक दफा रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, योर सेलेक्टेड कंपनीज आर सैमसंग, ठीक है, अभी एक सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आके अगर मैं दो पे करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो योर सेलेक्टेड कंपनीज आर सैमसंग, सैमसंग एंड आईफोन, ठीक है। फिर इसी तरह नोकिया, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो सैमसंग, आईफोन और नोकिया। फिर इसी तरह अगर चारों में सेलेक्ट करूँ, सबमिट पे क्लिक करूँ, तो देखो चारों मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इनमें से कोई अनचेक करता हूँ, तो जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट टू का वेरिएबल था ना, उसकी जगह एम्प्टी चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हमारे पास शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी मतलब क्या है, एक लॉजिक हमने क्रिएट किया इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल एक और हमारे पास इसका यूज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे चेकबॉक्स लेता हूँ और, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक बटन भी चाहिए इसके साथ, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम इनेबल, ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 11 और इसको बोल्ड, ठीक है, और इसका नाम हम रख लेते हैं ठीक है, यहाँ पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम मैं रखता हूँ माय बटन, सही है, माय बटन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने माय बटन रखा, अब इसका हम फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस फॉन्ट प्रॉपर्टी इसको हम फॉर एग्जाम्पल 12 और इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा देखो, अभी मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इस चेक, ये तो चेक बॉक्स है, इसके ऊपर चेक करूंगा तो ये बटन मेरे पास इनेबल हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर अनचेक करूंगा तो मेरे पास ये बटन भी क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे चेक नहीं है, तो मुझे यहाँ पे इस बटन को क्या करना है, डिसेबल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं इनेबल के नाम से, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, देखो इनेबल अभी क्या हुआ हुआ है, ट्रू, मतलब ये ओपन है बटन। तो मैं इसको क्लोज करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपके पास ये बटन क्या है, डिसेबल्ड है। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये बटन मेरे पास ऑन हो जाए, तो मुझे अभी इसके चेक चेंज के इवेंट पे काम करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब इसके जो हमारे पास चेक बॉक्स है इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास बटन है, ठीक है, आई थिंक इसका नाम है बटन टू, ठीक है, बटन टू की प्रॉपर्टी है इनेबल्ड, मतलब अगर बटन टू इनेबल्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ हमारे पास चेक बॉक्स वन, ठीक है, क्योंकि बाकी सबके तो हमने नाम रखे थे ना, ठीक है। इस चेक बॉक्स का नाम क्या है, अगर आप यहाँ पे इसकी नेम प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखो क्या नाम है इसका,
इनेबल के चेकबॉक्स का चेकबॉक्स वन, ठीक है, तो उसी के नाम से मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है, चेकबॉक्स वन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ डॉट चेक, सही है। तो देखो इस केस में होगा क्या, मतलब अगर चेकबॉक्स वन चेक्ड है तो क्या हो, बटन टू क्या हो जाए, इनेबल हो जाए, ठीक है, मतलब यही मैं इसके, और मैं कौन सी इवेंट पे काम कर रहा हूँ, चेक चेंज के इवेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ही मैं चेक लगाऊंगा तब बटन इनेबल हो जाएगा, और जैसे ही चेक हटाऊंगा तो बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं अभी इसको रन करूँ, ठीक है, और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी बटन क्या है, हमने इसकी इनेबिलिटी क्या की थी, डिसेबल की थी, फॉल्स की थी, तो यहाँ पे आके मैं क्लिक करूंगा तो देखो बटन क्या हुआ, इनेबल हो गया, और यहाँ पे आके अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूज चेक बॉक्सेस का हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। ये हमने दो प्रॉपर्टीज तो इसकी कर ली, टेक्स्ट और नेम की प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद फोर कलर और बैक कलर, मतलब अगर मुझे यहाँ पे इसका फोर कलर कहते हैं जो टेक्स्ट का कलर होता है, और बैक कलर होता है जो हमारे जो ये चेक बॉक्स है उसके बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चेक बॉक्स का चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या है, बैक कलर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और देखो यहाँ पे बहुत सारे इसके कलर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लाइट ग्रे इसको करता हूँ, तो देखो इसका कलर क्या हो गया, लाइट ग्रे हो गया। फिर अगर इसका फोर कलर, मतलब इसका टेक्स्ट अगर चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो अभी ये ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इसका कलर हम रेड करते हैं, ठीक है, तो देखो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज ये हैं। फिर उसके बाद फॉन्ट की प्रॉपर्टी तो हमें पता है, मतलब ये जो यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करते हैं और ये जो सारी चीजें राइटिंग स्टाइल, बोल्ड, साइज वगैरह, अंडरलाइन यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास चेक और चेक स्टेट, ठीक है, हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी है जिसमें हमने चेक तो यूज किया था, ठीक है, कि अगर चेक हो ट्रू, इसका मतलब है चेक पे, चेक बॉक्स पे क्लिक हुआ हुआ है, मतलब वो चेक हुआ हुआ है। अगर चेक फॉल्स हो तो क्या होगा, चेक, मतलब वो चेक बॉक्स हमारे पास अनचेक्ड होगा, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी चेक की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, चेक स्टेट की, ठीक है, तो यहां पे आते हैं, ये देखो चेक चेक और चेक स्टेट, मतलब अगर मैं यहाँ पे चेक को फॉल्स करता हूं तो इसका मतलब है उसका स्टेट क्या होगा, अनचेक्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका ये ट्रू कर देता हूं तो इसका मतलब उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेक्ड हो जाएगी, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। तो हम इसको अभी क्या करते हैं, फॉल्स ही करते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर ट्रू करूंगा तो जब आप रन करोगे तो वो पहले से क्या हुआ होगा, चेक हुआ हुआ होगा, इनेबल हुआ हुआ होगा, तो अभी मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चेकबॉक्स के ऊपर अपना बटन ऑन करवा रहा हूँ ना, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे आके मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, सही है। एक ये प्रॉपर्टीज की हो गई। फिर इसके बाद टेक्स्ट अलाइन, चेक अलाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इमेज का नहीं है, देख रहे हो, टेक्स्ट इमेज रिलेशन हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी कहाँ पे, रेडियो बटन्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चेकबॉक्स के अंदर कोई इमेज अप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये देखो अभी कोई भी इमेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, लोकल रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ, इम्पोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे जाके हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ये इमेज है, ठीक है, सही है। यहाँ पे आके इसको ओके करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देखो वही बात, अभी ये रिसाइज नहीं है, मतलब अभी इसका जो ऑटो साइज की प्रॉपर्टी है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है, मतलब खुद ही से वो रिसाइज कर रहा है। लेकिन अगर हमें खुद से रिसाइज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो साइज की प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अब हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब खुद से भी रिसाइज कर सकते हैं, वरना अगर मैं इसको ट्रू करूं दोबारा, तो यहाँ पे इसकी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इमेज रिलेशन, अभी ओवरले हुआ हुआ है, ओवरले का मतलब एक के ऊपर दूसरा। मैं चाह रहा हूं इमेज ऊपर जाए और उसका टेक्स्ट कहां जाए, नीचे जाए, ठीक है, देखो इमेज अबव टेक्स्ट, ठीक है। यहां पे मैं आता हूं, क्लिक करता हूं, तो देखो इसने खुद ही सेट कर दिया, क्योंकि ऑटो साइज ट्रू हुआ हुआ है तो इसने खुद ही सेट कर दिया, मतलब हमें खुद से, मतलब ऑटो साइज को फॉल्स करके सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर अभी आप यहाँ पे इसको रन करो तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, जिस तरह यहाँ पे आता हूं। अच्छा यहाँ पे देखो अभी क्या है, डिसेबल है,
मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा, मैं इसके ऊपर से चेक हटाऊंगा तो वापस ये चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये टेक्स्ट इमेज रिलेशन की प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आप खुद से सेटिंग करना चाहते हो, तो इसको आप ओवरले करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, जो इसकी ऑटो साइज की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इसको आप क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। तो अब इसको आपको खुद से सेट करना पड़ेगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इमेज अलाइन, इमेज अलाइन मतलब इमेज आपको कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ मुझे टॉप पे चाहिए, तो देखो ये थोड़ी सी ऊपर चली गई। अब टेक्स्ट को मुझे कहाँ चाहिए, बॉटम पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है, ये देखो टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये नीचे चला जाए, तो देखो अभी एडजस्ट हो गया। फिर ये जो चेक बॉक्स है इसकी भी अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी का नाम है चेक अलाइन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ, ये देखो चेक अलाइन नजर आ रहा है, ये अभी कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे लेकिन मिडिल में, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये राइट साइड पे मिडिल में आ जाए, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो देखो चेकबॉक्स कहाँ पे आ गया, राइट साइड पे आ गया, ठीक है। लेकिन हम इसको वही कर देते हैं, मतलब ये 9 आप कह लो इनकी लोकेशंस हैं जिसपे आप इनको सेट कर सकते हो। मैं अभी इसको करता हूँ मिडिल लेफ्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल सही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, सही है। तो ये था हमारे पास चेकबॉक्स कंट्रोल विनफॉर्म्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है। Thank you.